आपके 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं और आपकी बॉडी के साथ आपकी बॉडी के इर्द गिर्द एक ओवल शेप में एनर्जी होती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो कि ऑरा कहलाता है। चक्रास क्या हैं, इनके 7 कलर्स कौन से होते हैं, ये टोटल कितने हैं और आप इस किस तरह से इनको हील कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना नकवी। आज मैं बात करने वाली हूँ चक्रास पे कि चक्रास क्या होते हैं और वो आपकी बॉडी में किस तरह से काम करते हैं, उनका क्या कलर होता है और वो टोटल कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चक्र यानी व्हील, वो व्हील जो आपकी बॉडी के अंदर चक्कर खाता रहता है, कोई एंटाई होता है और कोई क्लॉकवाइज घूमता है। इनमें से कोई भी आपका व्हील अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जैसे थ्रोट में कोई इशू है तो वहाँ ब्लॉकेज है, तो वो जो आपका चक्र है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप उसको हील कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं, तो वो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। दूसरा, इनका अपने ही सर्कल में घूमना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनका अपने ही राउंड में घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बिल्कुल अलाइन रहें, ये हमारी एनर्जी हमारी बॉडी को देते रहें, क्योंकि ये हमारी नर्व से, हमारे माइंड से, हमारी बॉडी से, ऑर्गन से अटैच्ड होते हैं। किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम होगी तो वो आपका चक्र ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया चक्रास की डिटेल। चक्रास में 7 चक्रास हैं जिसके डिफरेंट कलर्स हैं। सबसे पहले आता है रूट चक्रा, जो कि इस कलर में होता है, ये इस कलर में आपके ब्राउन में, डार्क ब्राउन में, यह है रूट चक्रा जो आपके बिल्कुल लोअर टमी से शुरू होता है और आपकी लेग्स तक के लिए काम करता है, ये है रूट चक्रा। और उसके बाद आता है ये लाइट ब्राउन में, ये आपके नेवल एरिया पे होता है, रिप्रोडक्टिव एरिया जिनको बोलते हैं उनमें होता है ये, उसके लिए काम करता है, ये उसका कलर है। और इसके अलावा आपका सोलर प्लेक्सस, आपका स्टमक एरिया, ये इसमें वाइट दिख रहा है बट ये येलो है, ये येलो कलर में होता है आपके स्टमक के लिए, कि स्टमक का कोई भी इशू है या आप उसकी हीलिंग चाहते हो या कलर इस तरह का चाहिए तो उसमें ये येलो यूज़ करना होता है। उसके बाद आ जाता है आपका हार्ट चक्रा, बिल्कुल यहाँ पे आपके हार्ट पे, ये है ग्रीन कलर में हार्ट चक्रा, इसमें हम पिंक कलर भी यूज़ करते हैं और ग्रीन कलर भी यूज़ करते हैं, यानी लव एनर्जी के लिए, हार्ट चक्रा के लिए। इसके बाद आ जाता है आपका थ्रोट, यानी थ्रोट चक्रा के लिए ब्लू कलर में, ब्लू कलर में कोई भी स्टोन क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो हीलिंग के लिए, ये आ जाता है ब्लू। और इसके बाद आता है पर्पल, पर्पल होता है आपका थर्ड आई, यहाँ इस चक्रा के लिए यूज़ होता है पर्पल, ये कलर है पर्पल में। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो आपका कलर आता है वो है आपका क्राउन, उस क्राउन में कुछ लोग वाइट कलर भी यूज़ करते हैं, कुछ लाइट पर्पल भी यूज़ करते हैं, जैसे एमेथिस्ट का कलर है पर्पल वो वाला यूज़ करते हैं, बट मैं उसमें ये वाइट कलर यूज़ करती हूँ, क्रिस्टल क्लियर वाइट भी हो सकता है या इस तरह का वाइट भी हो सकता है। ये आपके 7 कलर्स हो गए आपके चक्रास के, ये सारे कलर्स कंप्लीट हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको अपनी बॉडी पे किस तरह से यूज़ कर सकते हो। चक्रास में कभी भी कोई इम्बैलेंस होता है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको पता चल जाएगा, जैसे थ्रोट में हुआ आपको पता चल जाएगा, सर में दर्द हो रही है इसका मतलब आपको पर्पल कलर की ज़रूरत है। आपके 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं और आपकी बॉडी के साथ आपकी बॉडी के इर्द गिर्द एक ओवल शेप में एनर्जी होती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो कि ऑरा कहलाता है। वो ऑरा आपको प्रोटेक्ट करता है जैसे मुख्तलिफ वायरस से, मुख्तलिफ चीज़ों से, नए नेगेटिविटी से, चाहे वो नज़र हो कुछ भी हो, अगर तो वो आपका ऑरा वीक है या आपका कोई जो चक्रा है वो इम्बैलेंस है तो आपका जो ऑरा है वो वीक हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा तो आपको नज़र आसानी से लग जाएगी, आप बीमार आराम से हो जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आज फिर से मैं बीमार हो गया, अभी तो मैं हील हुआ था। तो इसी वजह से वो चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर अगर अलाइन नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा आपको ऑरा आपका, तो वो आपको नेगेटिव आपकी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, ये नज़र लगना रहे सब कुछ। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका ऑरा भी स्ट्रांग हो और आपके जो 7 चक्रास हैं वो अलाइन हो, इनको अलाइन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनको अलाइन रखने के लिए आपको अपनी फिज़िकली एक्सरसाइज, डिफरेंट चीज़ें, वो सब कुछ करना होगा, जो मैं आपको सेकंड वीडियो में डिटेल से बताऊंगी कि अगर आपके ऑरास ब्लॉक हो जाते हैं तो उनके क्या सिम्टम्स हैं और अनब्लॉक करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ये आज मैंने आपको बताना था कि चक्रास क्या हैं, इनके 7 कलर्स कौन से होते हैं, ये टोटल कितने हैं,
और आप इस किस तरह से इनको हील कर सकते हो और किस तरह से यूज़ कर सकते हो, इनके क्या कलर्स होते हैं, ये चीज़ें आपको डिटेल से बताना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने आराम से समझा दिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा और आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा भी होगा। और मुझे अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि कौन सी चीज़ आपको समझ में आई है, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो मैं उसकी अलग से आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दूँगी। और आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा मिलूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आएँ तो आपको पता चल सके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।